हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ऑफ टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बच्चों, कुछ क्वेश्चन हमने लिया है, इट इज जस्ट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड वी हैव टू फैक्टराइज बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखो बच्चों, जैसे ध्यान से देखो तो पहला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जैसा नहीं है, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की तरह होगा। कैसे देखो, तुम देखो जो आगे का जो टर्म है 5x स्क्वायर है, तो 5x स्क्वायर देखो x टू दी पावर 4 को हम x स्क्वायर का होल पावर 2 लिख सकते हैं, ऐसे ही x टू दी पावर 6 को हम लिख सकते हैं x पे पावर 3 का होल पावर 2, ऐसे ही एक्स टू दी पावर 8 को हम लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 4 का होल पावर 2। आप क्या देख रहे हो, ये आगे के जो 3 क्वेश्चन है ना, हम इन सभी क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो कैसे करते हैं, पहले समझो सवाल को। सबसे पहले क्वेश्चन है फैक्टराइज 5x टू दी पावर 4 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 3। बेटा इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो बस ट्रिक ये है, जो बीच वाला वेरिएबल है x का स्क्वायर, इसका होल पावर जो होगा x आगे वाले वेरिएबल के जैसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे x स्क्वायर का स्क्वायर x टू दी पावर 4 होगा, जैसे x पे पावर 2 का होल स्क्वायर x टू दी पावर 6 आना चाहिए, x टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर x टू दी पावर 8 आना चाहिए। मतलब आगे के जो 3 क्वेश्चन है, ट्रिक मैं ये बता दूं, आप क्या करो कि लेट मिडिल टर्म जो एक्स स्क्वायर है, वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, इसको कुछ देर के लिए एक न्यू वेरिएबल मान लीजिए वाई, वाई मान लो, जेड मान लो, एम मान लो, एन मान लो, पी मान लो, क्यू मान लो, आर मान लो, कुछ भी मान लो, देन तब क्या, अगर जो ही एक्स स्क्वायर वाई मानोगे, इसका ये मतलब होगा एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर होगा वो वाई का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात जहां एक्स स्क्वायर है वहां क्या पुट कर लिएगा वाई, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा वाई का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट एक्स टू दी पावर 4 की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे वाई स्क्वायर। मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर पर वाई हमने मान लिया, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होगा एक्स टू दी पावर 4 की जगह पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, देयरफॉर अब क्या होगा पॉलीनोमियल चेंज हो जाएगा। देयरफॉर अब हम कहेंगे 5x टू दी पावर 4 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 3, अब ये किसके इक्वल हो गया 5 इंटू वाई का स्क्वायर प्लस 16 इंटू वाई प्लस 3। अब सिंपली जो है हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया है। अब कैसे स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, देखो 5 इंटू 3 15 है, तो हम इस तरह से मिडिल टर्म को हम चेंज कर सकते हैं 15 और 1 में, अर्थात 15y प्लस 1y 16y हो जाएगा। तो मिडिल टर्म को हम कैसे चेंज करते हैं बोलो, क्या ट्रिक बताया था, y स्क्वायर का कोफिशिएंट देख लो क्या है, कांस्टेंट टर्म देख लो क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 15 आ गया। अब 15 के अंदर दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई करने पे 15 आवे लेकिन जोड़ने पे 60 आएगा, अर्थात 15 और 1 इसके क्या होंगे फैक्टर होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां से आप 15y लिख दीजिए, फिर प्लस y लिख दीजिए, ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, 5y स्क्वायर प्लस 15y प्लस वाई प्लस 3, इन दोनों में देखो 5y कॉमन है तो यहाँ y प्लस 3 हो जाएगा, इन दोनों में 1 कॉमन है यहाँ भी y प्लस 3 हो जाएगा, यानी एक अब फिर फर्दर इन दोनों में y प्लस 3 कॉमन है। अब देखो बेटा, अब जहां जहां y वहां क्या पुट करना, x स्क्वायर लास्ट में x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 1, यही हमारा क्या बच्चों फैक्टराइजेशन है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत ही आसान है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देख लो इसका। अब तो आप लोगों ने स्प्लिटिंग मेथड का यूज करना सीख गए होंगे, तो थोड़ी सी स्पीड हम बढ़ाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 9x टू द पावर 6 प्लस 18x टू द पावर 3 प्लस 8। अब देखो यहाँ पे इसका जो मिडिल टर्म, बीच वाला जो टर्म है, सिर्फ वेरिएबल की बात कर, x टू द पावर 3 है, अगर x टू दी पावर 3 का होल स्क्वायर करोगे तो x टू दी पावर 6 आ जाएगा। इसका ये मतलब है जो बीच वाला वेरिएबल उसको कुछ देर के लिए y मान लो, दिस इंप्लाइज x क्यूब का होल स्क्वायर बराबर y का स्क्वायर होगा, दिस इंप्लाइज x टू दी पावर 6 क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 9x टू दी पावर 6 प्लस 18x टू दी पावर 3 प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा, चाहो तो उसके नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकते हो,
नाइन बेटा इसको क्या मानोगे वाई स्क्वायर, अब प्लस 18 वाई हो जाएगा और ये प्लस 8 हो जाएगा। अब देखो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है, कांस्टेंट टर्म 8 है, आपस में मल्टीप्लाई करो 72 आ जाएगा। 72 के अंदर दो नंबर और मिलेंगे 12 और 6, जिनको मल्टीप्लाई करने को तो 72 आएगा लेकिन ऐड करोगे तो 18 हो जाएगा, अर्थात 18y को स्प्लिट कर सकते हैं 12y एंड 6y में। ये सब बताया जा चुका है कई कई बार, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो भाई ब्रेकेट को खोल दो, आप 9y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 6y प्लस 8, बेटा देखो इन दोनों में ना 3y कॉमन है और इन दोनों में 2 कॉमन है, फर्दर इन दोनों में 3y प्लस 4 कॉमन है या 3y प्लस 2। लास्ट में बेटा y के जगह पे क्या पुट करोगे जो आपने सपोज किया था x क्यूब, ध्यान दीजिएगा तो 3 × x³ + 4 × 3 × x³ + 2। अब आगे सिंप्लीफाई मत करिएगा ठीक है, कोशिश करोगे तो इट इज द फॉर्म ऑफ a³ + b³, फर्दर ये स्प्लिट हो सकता है, फर्दर ये फैक्टराइज हो सकता है ठीक है, लेकिन रहने तो इतना ही काफी है ठीक है ना। क्या हमने रखा y की जगह पे सपोज किया था x रख दिया, ये हमारा लास्ट में इसका क्या है फैक्टराइजेशन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो आप देख लो बेटा फैक्टराइजेशन कुछ ऐसे ही करते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 × x⁻⁸ - 14 × x⁴ लास्ट में प्लस 8 है। अब देखो यहाँ x⁴ है, उसका होल स्क्वायर करो तो x⁸ हो जाएगा, तो लेट x⁴ को हमने y माना, दिस इंप्लाइज दैट x⁴ का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा y का स्क्वायर, अर्थात x⁸ क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। देयरफोर अब हम कह सकते हैं 3x⁸ - 14x⁴ + 8 ये इक्वल होगा 3 × y² - 14y + 8। अब देखो रफ करो 3 × 8 या 8 × 3 = 24 होगा, 24 के अंदर से दो नंबर मिलेगा, दो फैक्टर मिलेंगे 12 × 2, जिनका मल्टीप्लाई करोगे 24 आ रहा है 12 × 2 और ऐड करने पे 14 आएगा 12 + 2। ऐसे लिखो आप 3y² - (12y + 2y) तभी ना ऐड करने पे 14y आएगा जी। इन दोनों में 3y कॉमन ले लो, इन दोनों में 12 कॉमन ले लो, y के जब क्या पुट करोगे जो आपने सपोज किया था x⁴ - 4 ये होगा 3 × x⁴ - 2, यही हमारा क्या फैक्टराइजेशन है ठीक है ओके। अब देखो बच्चों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बुक 5 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा है 6 − x² - x⁴। इसको थोड़ा पहले ऐसे लिखो, एक काम करो फर्दर आप क्या करो लेट करो, मान लो x² y है तो दिस इंप्लाई x² का होल स्क्वायर क्या होगा y का स्क्वायर होगा, अर्थात x⁴ को हम y² लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं 6 − x² - x⁴ इक्वल टू हो सकता है 6 − y − y² बेटा एक काम करो, यहाँ देखो वाई स्क्वायर का जो कोफिशियंट वो निगेटिव है, एक काम करो इसको तुम ऐसे पहले लिखो, पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब होता है कि y² आगे होगा फिर देर y² उस वक्त कॉन्स्टेंट होगा। अब तुम इसमें से माइनस पहले कॉमन लो सब में से, अब बताओ 1 × 6 = 6 होता है, 3 × 2 = 6 होता है, 3 − 2 = 1 होता है, बस हो गया तो या माइनस है ना, अर्थात 3y - 2y तभी तो 1y आएगा और -6 बार माइनस रहेगा वो ठीक है, y² + 3y - 2y - 6 बस अब फैक्टराइज कर दो, बार माइनस रहेगा बता दे रहे हैं। देखो इन दोनों में y कॉमन है तो y + 3 और इन दोनों में -2 कॉमन है देन y+3, ये y+3 ध्यान दीजिएगा ठीक,
अब क्या होगा, मैं यहां समझा दे रहा हूं, ज्यादा नहीं है, माइनस रहेगा, वाई प्लस थ्री कॉमन लो तो देन आएगा वाई माइनस टू, और देन लास्ट में ना वाई के जगह क्या पुट करना चाहोगे, जो सपोज किया था एक्स स्क्वायर रखना चाहोगे ना, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस थ्री होगा और ये एक्स स्क्वायर माइनस टू होगा। ठीक बच्चों, देखो यहां तक भी बिल्कुल सही है, और किसी यहां तक तो आपका आंसर माना जा सकता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो एक्स स्क्वायर माइनस टू को भी फैक्टराइज करना, कैसे करोगे, अलग से मैं समझा देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस टू को फैक्टराइजेशन कुछ ऐसा समझे, एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट टू का होल स्क्वायर, ध्यान दो रूट टू का स्क्वायर टू होता है, तो लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में एक्स माइनस रूट टू और एक्स प्लस रूट टू सेकेंड ब्रैकेट में, यानी एक मिनट अलग से इसको समझ लो। इसके जगह फिर हम क्या लिख सकते हैं, फर्दर अगर हमको लिखना है, अगर फैक्टराइज करना है तो क्या कर सकते हैं, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस अंडर रूट टू इंटू एक्स प्लस अंडर रूट टू, नहीं तो आपका ये भी आंसर मान्य है। ठीक है, क्योंकि बेटा अंडर रूट टू का स्क्वायर टू होता है ना कि फोर होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ बता दिया, अब फिफ्थ देखते हैं। ये बात समझ लो, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं सीबीटी मेथड से, मिडिल टर्म को ना ऐसे भागों में ब्रेक करो ताकि उसकी जो वैल्यू हो मल्टीप्लाई करने पे ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करते हैं। सिक्स एक्स स्क्वायर फैक्टराइज करना है माइनस फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी वन। देखो बेटा मिडिल टर्म यहाँ फाइव है, मान लो पहले क्या करो, सिक्स में ट्वेंटी वन से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, बस फैक्टराइज फैक्टर कर रहा है, सिक्स इंटू थ्री इंटू सेवन कर दे रहा है ट्वेंटी वन को, क्या करे छोत्री अठारह, अठारह में से नहीं कुछ और सोचते हैं, तुम और सोचो, जैसे ना कुछ ऐसा करो जैसे समझो, चलो अच्छे से मल्टीप्लाई कर दो, मान लो 126 आएगा मल्टीप्लाई करने पर, अब जरा 126 का ना वो कर दो फैक्टर, प्राइम फैक्टर ले लो पहले, तीन से कटेगा, चलो ठीक है, क्या जोड़ा बन सकता है, देखो 9 14 14 माइनस 9, देखो ना 3 इंटू थ्री 9, 2 इंटू सेवन 14, 14 में से 9 जाने पे 14 माइनस 9 5 होता है, होता है ना, होता है कि नहीं होता, 9 इंटू, हाँ 4 होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, क्या लिख सकते हैं बेटा, 14x माइनस 9 है, चेक कर लो गलत है कि सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे जब डेटा बड़ा हो जाए ना आराम से प्राइम फैक्टर करके सोचिए आप, करना क्या होता है, सिंपल फंडा बता दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, अब मल्टीप्लाई करने के बाद अगर बहुत बड़ा नंबर है तो प्राइम फैक्टर कर लो, अब उसी में सोचो कि दो नंबर ऐसे हो जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या 126 हो, तथा उनका उनके बीच में या तो ऐड करने पे चाहे सेपरेट करने पे मिडिल टर्म के बराबर। देखो कभी हम इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे, कभी घटाने का प्रयास करेंगे, हमारा मेन मोटिव होता है एक्स के बगल में जो नंबर है उसी बराबर होना चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू आना चाहिए, मतलब 5 तभी आएगा जब हम 14 माइनस 9 करेंगे। ठीक है, चलो ब्रैकेट खोल दो, ये आप प्रैक्टिस कर लिए होंगे, अब समझ में आ गया होगा। चलो इन दोनों बेटा दो कॉमन है और एक कॉमन है, 3x हो जाएगा ना, 3x हो जाएगा और 7 हो जाएगा, इन दोनों में भी 3 कॉमन है, 3x माइनस 7 आ जाएगा, 3x माइनस 7 क्योंकि 3 3 9 होता है ना, 3x माइनस 7 होगा, अब इन दोनों में 3x माइनस 7 फर्दर कॉमन है, ये 2x प्लस 3, यही हमारा फैक्टराइजेशन। ठीक है, देख लो, अच्छा मान लो इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दें, मान लो यहाँ पावर 4 है, यहाँ भी पावर 4 है, अब क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पावर 2 कर देते हैं, देखो अगर यहाँ पावर 4 है यहाँ पावर 2 करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा उस केस में हम जानते हो क्या करते हैं, एक तरीका है कि एक्स स्क्वायर को वाई मान लेंगे, देन एक्स टू द पावर 4 वाई स्क्वायर होगा, सेकेंड मेथड ये है कि हम कुछ ना करें, हम सिंपली इसको ऐसे सपोज कर लें, ये भी एक तरीका होता है, देखो यानी हम पावर 4 लगा दें, यहाँ स्क्वायर लगा दें, यहाँ पावर, अब देखो अब क्या होगा, सुनो यहाँ से, अब यहाँ पे हम सिंपली ना 2x स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ 3x स्क्वायर बचेगा और माइनस 7 आएगा, सिमिलरली यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 7 आएगा, अब 3x स्क्वायर माइनस 7 एक ब्रैकेट में जब होगा, क्योंकि दोनों कॉमन है, कॉमन जब लोगे तो यहाँ से बचेगा 2x स्क्वायर और आगे प्लस 3 बचेगा, ऐसे तुम फैक्टराइज करोगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या सपोज कर रहे थे, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, देन एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, देन हमारा जो पाई नंबर अब चेंज हो जाता है इस रूप में,
वाई के रूप में, चाहे ऐसे भी देख लो, दूसरे मेथड से भी देख लो, देखो और करके लेट एक्स स्क्वायर को हमने वाई मान लिया, देन या दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बराबर वाई का स्क्वायर होगा, या दिस इंप्लाइज एक्स टू द पावर फोर बराबर वाई स्क्वायर हो जाएगा, देयर फोर सिक्स एक्स टू द पावर फोर माइनस फाइव इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी वन, इसको लिख सकते हैं सिक्स वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई माइनस ट्वेंटी वन। अब बाकी जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज हो गया, आप इसको आराम से कर लीजिए, क्या होगा सिक्स वाई स्क्वायर माइनस फोर्टीन वाई माइनस नाइन वाई माइनस ट्वेंटी वन, या सिक्स वाई स्क्वायर माइनस फोर्टीन वाई प्लस नाइन वाई माइनस ट्वेंटी वन, इन दोनों में थ्री कॉमन है और वाई भी कॉमन है, तो टू वाई माइनस सेवन, बेटा दो नहीं थ्री नहीं सॉरी 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 दो कॉमन है ना, तो थ्री वाई माइनस सेवन, बेटा इन दोनों में थ्री कॉमन है तो थ्री वाई माइनस सेवन यहाँ भी आएगा, चेक कर लो एक बार। अब देखो थ्री वाई माइनस सेवन फर्दर कॉमन है तो यहाँ से टू वाई प्लस थ्री आ जाएगा। अब जहां जहां वाई है वहां क्या पुट करना चाहोगे, एक्स स्क्वायर ना, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन और टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, यही हमारा फैक्टराइजेशन है, ठीक है। ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे हम चाहो यहाँ अगर एक्स टू दी पावर सिक्स कहेंगे तो यहाँ एक्स टू दी पावर थ्री हो जाएगा, यहाँ अगर एक्स टू दी पावर फोर है तो यहाँ एक्स टू का स्क्वायर होना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे हम सेट कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो घबराइए मत, बस ये देखिए कि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है कि नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलिए और फिफ्थ हो गया, सिक्स देखते हैं बेटा, बहुत आसान है, सिक्स है टेन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस सेवन, देखो भाई टेन इंटू सेवन सत्तर होता है, ठीक है सत्तर, तो क्या होगा सत्तर है ना सेवनटी है ना, जब सेवनटी का प्राइम फैक्टर करो तो सब समझ में आएगा, दो से कट करो पैंतीस बार जाएगा, और पांच से कट करो सात बार, फिर सात से कट करो एक बार, वो तो गया फोर्टीन माइनस फाइव, फोर्टीन माइनस फाइव क्या आता है नाइन होता है, तो टेन एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस सेवन, ब्रेकेट ओपन करो टेन एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस सेवन। चलो भाई इन दोनों में देखो शायद दो कॉमन है और एक्स कॉमन है, ये फाइव एक्स और माइनस सेवन हो जाएगा, इन दोनों कुछ नहीं कॉमन तो वन कॉमन होगा, जिसका कोई कॉमन है उसका वन कॉमन है, फर्दर फाइव एक्स माइनस सेवन और टू एक्स प्लस वन, यही हमारा क्या फैक्टराइजेशन है, ठीक है बच्चों। अगर मान लो चलो हमारा आंसर आ जाए, मान लो एक्स टू दी पावर फोर होगा तो यहाँ क्या करना एक्स स्क्वायर, अब इसका कैसे करोगे बताओ, तो देखो कुछ नहीं करना है, एक्स पे पावर फोर यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स पे पावर फोर होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, अब इन दोनों में जब हम कॉमन लेंगे तो टू एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आएगा फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सेवन, यहाँ पे आएगा फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सेवन, ठीक है, और यहाँ टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, कुछ ऐसे हो जाएगा। और नहीं तो एक और तरीका मैंने बताया था, देख लो नोट करो क्या क्या मेथड बताया था कि आप पुट करो कुछ देर के लिए, लेट करो, मान लो एक्स स्क्वायर को वाई मान लो, या एम मान लो, चाहे जेड मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, एक्स के अलावा कुछ भी मान लो, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा वाई का स्क्वायर हो जाएगा, सो दिस इम्प्लाइज एक्स टू द पावर फोर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब हम कर सकते हैं टेन एक्स के पावर फोर माइनस नाइन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन, अब क्या लिख सकते हो बताओ, टेन एक्स टू दी पावर फोर को लिखोगे वाई स्क्वायर माइनस नाइन वाई माइनस सेवन, बताया था ना कैसे करना है, टेन वाई स्क्वायर देखो फोर्टीन वाई अब माइनस फोर्टीन वाई माइनस फाइव वाई तभी तो नाइन वाई आएगा, ब्रेकेट खोल दो टेन वाई स्क्वायर माइनस फोर्टीन वाई अब प्लस फाइव वाई माइनस सेवन, इन दोनों में टू कॉमन है तो फाइव टू के साथ वाई भी कॉमन है, टू वाई कॉमन है तो फाइव वाई माइनस सेवन, इन दोनों में वन कॉमन है फाइव वाई माइनस सेवन, फर्दर इन दोनों में फाइव वाई माइनस सेवन कॉमन है और टू वाई प्लस वन कॉमन है, अब वाई की जगह पे क्या पुट करोगे, वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट करोगे तो फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सेवन वन ब्रेकेट और टू एक्स स्क्वायर प्लस वन सेकेंड ब्रेकेट, यही हमारा बच्चों क्या है फैक्टराइजेशन है, ठीक बच्चों देख लो बहुत ही आसान है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर आप सेवन पे आते हैं, कुछ डिफरेंट है ये, कहां से ये क्वेश्चन लिया गया है, देखो ये क्वेश्चन जो है ना
मतलब आर एस अग्रवाल से तो है, लेकिन आर एस अग्रवाल की तरफ पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, कुछ अपने तरफ से बनाया गया क्वेश्चन है, लेकिन सब क्वेश्चन आर एस में मिल जाएंगे सेवन के बाद वाले। चलो क्वेश्चन नंबर सेवन, फैक्टराइज करना है अंडर रूट टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस अंडर रूट टू। बेटा कैसे फैक्टराइज करते हैं, फर्दर वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है अंडर रूट टू है, कांस्टेंट टर्म भी अंडर रूट टू है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट फोर होगा और अंडर रूट फोर की वैल्यू टू होता है, क्योंकि रूट टू टू के बराबर होता है, और मिडिल टर्म थ्री है ना, तो थ्री को कैसे ट्रीट करेंगे, देखो यही ना दो आया है, दो के फैक्टर क्यों होंगे, दो और वन होंगे, क्योंकि हर संख्या अपने आप का फैक्टर होता है। तो इस तरह से हम थ्री को स्प्लिट करेंगे टू प्लस वन में, अर्थात इसको हम ऐसे लिखते हैं अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स प्लस रूट टू, इसको ऐसे लिख दो, मन करे तो अब हम इसको ऐसे लिखते हैं अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस अंडर रूट टू। अब देखो इन दोनों में अगर डायरेक्ट देखो तो एक्स कॉमन है, लेकिन हमें पता है कि टू को हम अंडर रूट टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे क्योंकि अंडर रूट टू कॉमन हो रहा है, एक लाइन और बढ़ जाओ तुम लोग, अब देखो इन दोनों में अंडर रूट टू और एक्स कॉमन ले लो, यहां से सिर्फ एक एक्स बचेगा और रूट टू एक निकल गया, एक एक्स निकल गया, सिर्फ रूट टू बचेगा, फर्दर इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, जिसका कोई कॉमन है उसका एक कॉमन होगा, यहाँ एक्स प्लस रूट टू रहेगा। बेटा यहां से इन दोनों में फर्दर एक्स प्लस रूट टू कॉमन है, देखो रूट टू इंटू एक्स है, एक्स ना रूट के बाहर है, ध्यान दीजिएगा, तो यही हमारा फैक्टराइजेशन है, क्या है एक्स प्लस रूट टू इंटू रूट टू एक्स प्लस वन। मान लो बच्चों अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे पावर फोर है तो यहाँ पावर टू हो जाना, अब इसका फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, तो वेरी सिंपल है, करना कुछ नहीं है, आप बिना लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई सपोज की भी कर सकते, बस थोड़ा सा ट्रिक ये है यहाँ पे पावर फोर कर देना, यहाँ पावर स्क्वायर कर देना, ठीक है। अब देखो ना इनको जोड़ने पे थ्री स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे पावर फोर हो जाएगा, ये दोनों स्क्वायर स्क्वायर हो जाएंगे, यहाँ पावर फोर होगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा और यहाँ भी स्क्वायर होगा। अब जब हम कॉमन लेंगे ना अंडर रूट टू इंटू एक्स स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ आएगा एक ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू और सेकंड ब्रैकेट में आएगा वन, जब कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू, यानी कुछ हमारा फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से हो जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। इधर अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एट, ठीक है। देखो अगर x का पावर 4 है तो यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, अगर x का पावर 6 है तो यहाँ एक्स क्यूब होना चाहिए, अगर यहाँ x का पावर 8 है तो एक्स टू द पावर 4 होना चाहिए, ठीक बस यही है। अब क्वेश्चन लगाते हैं 6 के बाद 8, चलो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम सॉल्व करते हैं अंडर 5 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 3 रूट 5। चलो भाई इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी इसको फैक्टराइज करते हैं, फिर वही कहानी, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट तुम्हारा क्या है अंडर रूट फाइव है, कांस्टेंट टर्म साइन छोड़ देते हैं नेगेटिव, थ्री रूट फाइव, जब मल्टीप्लाई करेगा ना तो रूट फाइव फाइव होता है, फाइव इंटू थ्री 15 आता है। मिड टर्म को ऐसे ब्रेक करना है, यानी 15 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि मल्टीप्लाई करने पे 15 आए लेकिन ऐड करने पे चाहे सबट्रैक्ट करने पे 2 आ गए। देखो मेरे पास जोड़ा बन गया 5 और 3 का, 5 × 3 = 15 होता है, 5 में से 3 जाएगा 2 आता है, देखो हो तो गया मेरा काम, यानी क्या लिखूंगा 5x और माइनस 3x, देखो 2x आएगा। अब सुन लो ब्रैकेट के बराबर ओपन करो अच्छे से, देखो ना जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी इतना जल्दी सोच पाओगे। बेटा अभी ध्यान से देखो ये 5 है या रूट 5 है, हमने फर्दर बता दूं अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर की तो हम लोग 5 बनते हैं, यानी इसको हम लिखेंगे एक बार और, इसको रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू एक्स माइनस 3x और माइनस 3√5। चलो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, रूट 5 भी कॉमन है और एक x कॉमन है, अंदर बचेगा एक x और प्लस रूट 5, इन दोनों में सिर्फ माइनस 3 कॉमन है, आएगा x प्लस रूट 5, फर्दर इन दोनों में बेटा x प्लस रूट 5 कॉमन है, इन वन ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा रूट 5x − 3, यही हमारा फैक्टराइजेशन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, आप कर सकते हो, ठीक है बेटा।
अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 लगाते हैं, तो 9 है फैक्टराइज 2√3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5√3। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2√3, कांस्टेंट टर्म क्या है 5√3, बस न्यूमेरिक कांस्टेंट ले रहे हैं, साइन नहीं रख रहे हैं। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 10, √3 3 हो जाता है, 10 × 3 30 हो जाता है, और 13 के दो पेयर बन सकते हैं 6 और 5 का, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 13 आएगा और सबट्रैक्ट करने पर x का कोएफिशिएंट x का 1 आएगा। इस तरह से मिडिल टर्म x को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 6x − 5x में। तो क्या लिख सकते हैं 2√3 x² + 6x − 5x और −5√3। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं बच्चों 2√3 × x² + 6x − 5x − 5√3। अब थोड़ा संभल जाओ यहीं पे। देखो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ सिर्फ 2x कॉमन है, लेकिन रूट थ्री है, 6 के अंदर भी रूट थ्री पाया जाता है। देखो कैसे, देखो 6 को हम ऐसे लिखते हैं, 6 बराबर लिख सकते हैं 2 × 3 और 2 × 3 को लिख सकते हैं रूट थ्री का होल स्क्वायर। अब देखो साफ साफ हमें 2√3 दिख रहा है इसमें, इसको अगले अंश ऐसे लिखो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो सीख जाओगे। 6 को जगह पे हम लिख सकते हैं 2√3 होल स्क्वायर × x, अब −5x − 5√3। अब एक्चुअली में इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे स्क्वायर लिखना पड़े, इसमें साफ साफ हमें दिख रहा है, ठीक है ना, 5 कॉमन है बस। चलो तो 2 कॉमन है, √3 कॉमन है, एक x कॉमन है, 2 कॉमन है, √3 कॉमन है, एक x कॉमन है। सिंपली यहां से x बचेगा प्लस 2 कॉमन हो गया, x कॉमन हो चुका, एक √3 कॉमन हो चुका, बस एक √3 बचा। सिमिलरली बेटा इन दोनों में −5 कॉमन है, तो यहाँ से भी x + √3 बचेगा ना। अब देखो यहाँ से x + √3 फर्दर कॉमन है, तो क्या आएगा 2√3 × x − 5, बस यही हमारा फैक्टराइजेशन है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आप सीख जाओगे कैसे हम कॉमन ले रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है फैक्टराइज 5√5 x² + 20x + 3√5। देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 5√5 है, कांस्टेंट अब 3√5 पे, आपस में मल्टीप्लाई करो 5 × 3 = 15 हो गया, और √5 √5 हो गया, अब 15 × 5 = 75 हो गया। देखो 75 के अंदर से दो नंबर मिल सकता है 15 और 5, इस प्रकार होंगे। अगर 15 × 5 करो तो 75 आएगा, अब 15 में अगर 5 का ऐड करोगे तो x के कोएफिशिएंट के बराबर हो जाएगा, हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम, देखो 5√5 x² + 5x + 15x, मतलब बेटा हम 20x को 5x + 15x लिख सकते हैं, और लास्ट वाला क्या है 3√5 है। तुम चाहो 15x को आगे रखो, 5x को बाकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो अब इन दोनों कुछ कॉमन देखो, पहले अभी नहीं कॉमन, अभी थोड़ा ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा। चलो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 5 कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, क्या बचेगा √5 और एक x बचेगा, अब +1 बचेगा, चेक कर लो आप। हाँ ठीक है बेटा, इन दोनों में क्या कॉमन है 15 में और x में, फिलहाल तो अभी देखोगे तो तुरंत तुमको 3 कॉमन दिखेगा, √5। अब जरा चेक करो क्या ये दोनों सेम टू सेम है, नहीं है ना। अब क्या करो, मैं फर्दर बता दूं कि 5 बराबर होता है √5 का होल स्क्वायर, यानी इस 5 को लिख सकते हो अगली लाइन से, मैं यहीं लिख के दिखा दे रहा हूं, इसको वैसे ही। अब देखो यानी 5 को हम लिख सकते हो √5 का स्क्वायर, अब फर्दर इन दोनों में √5 कॉमन है, 3 पहले से था कॉमन, क्या बचेगा यहां से 1√5 ऑफ x बचेगा, और यहां से 1 आ जाएगा, और यहां भी वही काम है, चाहो तो इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है यहां भी स्मॉल ब्रैकेट लगाओ, ये जैसा होगा ठीक है।
अब देखो बेटा यहाँ भी रूट फाइव एक्स प्लस वन है, यहाँ भी रूट फाइव एक्स प्लस वन है, फर्दर ये कॉमन होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, तैयार हो जाएगा। चलो यही फैक्टराइजेशन है बच्चों। इस तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 लग चुका। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद लगाओगे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में घबराइएगा मत, ये बिल्कुल ध्यान देखो x plus y का होल स्क्वायर है या x plus y है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आप कुछ देर के लिए x plus y को आप कुछ देर के लिए z मान लेना, z x y मत मानना क्योंकि ऑलरेडी x y ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इस तरह से ये जो तुम्हारा एक्सप्रेशन है ये 2z स्क्वायर में और माइनस 9z माइनस 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये क्या होता है, 2 5 10 होता है, 10 माइनस 1 9 होता है, इसको लिख सकते हैं 2z स्क्वायर माइनस 10z प्लस z माइनस 5। थोड़ा शॉर्टकट मैंने मार दिया क्योंकि आपको पता है ना माइनस 10z में 1z घटाओगे तभी तो माइनस 9 आएगा। अब देखो अब इन दोनों में हम 2z जब कॉमन लोगे तो z माइनस 5 होगा, इसमें एक कॉमन लोगे तो z माइनस 5 तब यहाँ भी होगा, ठीक है। फर्दर हम z माइनस 5 कॉमन लेंगे यहाँ 2z प्लस 1 होगा। जैसा कि आपने z बराबर क्या माना था क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, माना था x प्लस वाई, तो इस तरह से हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 इंटू 2x प्लस 2y, क्योंकि आप 2 टाइम z करोगे तो 2 टाइम z करोगे, 2z करोगे तो 2x प्लस 2y हो जाएगा, तो 2x प्लस 2y और प्लस 1, यही हमारा क्या फैक्टराइजेशन है। ध्यान दीजिएगा यहाँ 1 आएगा, ठीक बच्चों, z माइनस 5 इंटू 2z प्लस 1, तो फैक्टराइजेशन होगा x प्लस वाई माइनस 5 इंटू 2x प्लस 2y प्लस 1। बीच के 2-3 क्वेश्चंस रह गए थे बेटा, आप लोग कर लीजिएगा। आज के दिन बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।